हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का वीडियो आपको समझाएगा प्लाज्मा थेरेपी क्यों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आईएलबीएस के हमारे चीफ डॉक्टर एस के सरीन आपसे प्लाज्मा के लिए डोनेशन की डिमांड कर रहे हैं। क्यों आपको कहा जा रहा है कि कृपया सामने आइए, डोनेट करिए अपना ब्लड में से प्लाज्मा, ताकि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। कितनी उसमें एक्चुअली पावर है और उसके पीछे का साइंस क्या है, प्लाज्मा होता क्या है, कन्वर्सलेंट प्लाज्मा क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का समझना और सबका समझना, तभी क्योंकि एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट है ये। जी हाँ, और कई लोगों की एक्चुअल जान बचाई जा सकती है इस तरह से। और इसका आज रोल है, क्योंकि आज पेशेंट, एक्चुअल सीरियस पेशेंट्स जो बोलेंगे वो कम है। जी हाँ, देखा जाएगा आज के डेट में तो जो डेथ रेट है वो उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी इंडिया के अंदर। आज के डेट में यानी कि 26 अप्रैल के डेट में 779 डेथ हुई है, 700-800 डेथ हुई है अब तक बस, और अराउंड 18-25 हज़ार के आसपास लोग, 20-25 हज़ार लोग सिर्फ एक्टिव केसेस हैं। क्योर्ड केसेस हमारे पास 5-6 हज़ार के आसपास क्योर्ड केसेस हैं। और कन्वर्सलेंट प्लाज्मा का मतलब है इन 5,000-6,500 लोगों के प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पर। ऑल्दो प्लाज्मा थेरेपी और भी बीमारियों में काम आती है, और ये क्या है, कैसे है, इसके बेसिक्स अगर आप जान लेंगे तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये COVID-19 कोरोना वायरस, और ग्लोबल पैंडेमिक है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई हो रहे हैं। कभी आइवरमेक्टिन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, कभी HCQS हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर वीडियो है हमारा जो समझा रहे हैं उसके बारे में। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पोटेंशियल बेनिफिट के साथ है, लेकिन ये वाला जो ट्रीटमेंट है प्लाज्मा थेरेपी, इसके ऊपर एक्चुअली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और इसको जो है हम बिना किसी मेजर रिस्क के यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी इज़ अ पोटेंशियल वेरी गुड थेरेपी। सो बात करेंगे कैसे इट कैन हेल्प मेनी पेशेंट्स रैदर, लेकिन हर पेशेंट में ये काम नहीं आएगा, याद रखिए। कैसे बता रहे हैं, कौन से पेशेंट में काम आएगा, कौन डोनेट कर सकता है, कब डोनेट कर सकता है, कितना डोनेट कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे, और कौन कौन सी अलग बीमारी में भी काम आता है सब बताएंगे आपको। और ये FDA के थ्रू अप्रूव्ड ट्रीटमेंट भी है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बल्कि पुरानी बीमारियां जैसे हमारी कई सारे अलग अलग जो पैंडेमिक्स हुए थे उनके लिए भी। तो बात करते हैं सारी इस टॉपिक के बारे में। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Plasma therapy. So dosto, convalescent plasma ka matlab hai aisa person जो कि देखिए ब्लड के अंदर बेसिकली हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन चीज़ होती है उसमें। ब्लड में आपका रेड ब्लड सेल, ब्लड के सेल्स होते हैं जो जितने भी है, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, उसके अलावा प्लाज्मा यानी उसका लिक्विड फॉर्म होता है, और उसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब ब्लड के जितने भी दूसरे प्रकार के उसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, राइट। अब यहां पर जो मानने वाली बात है, कन्वर्सलेंट का मतलब क्या है, कन्वर्सलेंट मींस जो पर्सन अभी रिसेंटली इस बीमारी से रिकवर हो चुका है, जो ठीक हो चुका है, यानी ये 500-550-600 लोग जो रिकवर हो चुके हैं, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, और वो लोग जो एडमिट नहीं हुए, जो टेस्ट पॉजिटिव था, उनका टेस्ट पॉजिटिव था होना जरूरी है, टेस्ट सिम्टम होना अकेला काफी नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव था जिनका, और जिनको ठीक हो गए हैं, जो बीमार नहीं हुए हैं उनके बारे में 14 दिन के बाद। सो कैसे इसकी बात, मतलब कन्वर्सलेंट पर्सन से ब्लड लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है, यानी ब्लड का वो येलो पार्ट लिया जाता है जो एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर 55% पूरे ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% है, उस प्लाज्मा में
बाकी सब निकाल के बचता क्या है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज हैं वो बचते हैं, और कुछ और प्रोटीन्स बचते हैं, राइट? सो और इवन कोएगुलेशन वाले प्रोटीन्स बचते हैं जो कोएगुलेट ब्लड में क्लॉटिंग करते हैं. तो प्रोटीन्स सारे बचते हैं प्लाज्मा के अंदर. सो दैट इज देयर. और क्या निकल गया, रेड ब्लड सेल निकल गया, प्लेटलेट निकल गया, WBC सारे ब्लड के सेल्स निकल गए. क्योंकि रेड ब्लड सेल्स निकल गया तो यहाँ क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं है. जो अब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ना, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स निकल गए. लेकिन उसके अलावा दूसरे टेस्टों की जरूरत पड़ती है कि आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, आपके प्लाज्मा में और कोई अलग प्रोटीन तो नहीं है किसी और बीमारी का. सो दैट ऑल्सो, मतलब उसकी टेस्टिंग बहुत सिवियर तरीके से होती है. सो यू विल गेट टू नो दैट. देन जब भी आप, मान लो कोई पेशेंट जो कोरोना वायरस COVID-19 से इन्फेक्ट होता है, तो उसकी बॉडी, अगर तो उनका इम्यून सिस्टम हेल्दी है, राइट, अच्छा है, नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उनकी बॉडी खुद ये एंटीबॉडीज बना लेगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आपका कोरोना वायरस. इसी को बारे में हमने वीडियो डाला था मॉर्निंग में, जो था कि इवन इफ अगर आपके अंदर एंटीबॉडी है, जो डिटेक्ट कर लिया, रैपिड टेस्ट है, IgG एंटीबॉडी है, अच्छे, तो पॉजिटिव आ गया, तब तो भी नहीं बोल सकते कि आप इम्यून हो, क्योंकि क्वांटिटी नहीं चेक करी. क्वांटिटी कितनी बनी है आपके अंदर वो मायने रखता है, यहां पर भी वही मायने रखता है. तो यहां पर जब आप अपनी इम्यूनिटी शेयर कर रहे हैं, अपनी एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो आपके अंदर कितनी एंटीबॉडीज हैं ये मायने रखता है, उसके भी बारे में बात करेंगे. सो एक इंसान के अंदर बेसिक प्लाज्मा होता है, ब्लड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, उसमें से प्लाज्मा को निकाला जा सकता है. और ये एंटीबॉडीज जो आपके प्लाज्मा में है, ये किसी और पर्सन को दिए जा सकते हैं, जो पर्सन जिसके अंदर उतनी खुद से एंटीबॉडी नहीं बन रहे. मान लो उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक है, उनको कोई और बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज हैं, बीमारियां हैं, उम्र नहीं है सही, उम्र बुढ़ापा है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तब केस में. सो हर एक हेल्दी पर्सन को जिसको कोरोना वायरस होगा उसको प्लाज्मा थेरेपी देने की जरूरत नहीं है. ये प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है, ये प्रिवेंशन नहीं है, ये वैक्सीन नहीं है, ये वो नहीं है, राइट. ये सिर्फ उस लोगों के लिए है जो खुद नहीं बना पा रहे हैं. जैसे कैसे पता चलेगा उसका भी क्राइटेरिया हम बताएंगे. सो एंटीबॉडीज जो आपके अंदर बन रही है वो सिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है, राइट, जो रिकवरी में हेल्प करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज जाके वायरस को अटैच करके वायरस को मारना शुरू कर देगा, तो वायरस टाइटर, वायरस के नंबर आपके अंदर कम होने लग जाएंगे. यही काम 1918 में स्पैनिश फ्लू के ऊपर भी किया गया था, यही काम बाकी सारे सार्स, मर्स, H1N1, ए बर्ड फ्लू, इन सारे वायरसेस के खिलाफ भी यही प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की गई थी. अब अगर हम बात करें कि क्या इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी इस पर्टिकुलर केस में, कोरोना वायरस में काम करेगी, तो बहुत सारे रिसर्चेस नहीं है, ये नया वायरस है. अगेन कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ गिने चुने, जैसे जामा के अगर हम रिसर्च देखेंगे, 27 मार्च को उन्होंने कंडक्ट किया था, उस केस में उन्होंने कुछ उन COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था, RDS था, जो ऑब्वियसली जिनको जब तक बीमारी अच्छी खासी नहीं होगी तब तक नहीं दे सकते ये प्लाज्मा, उनको दिया, जिनको रैपिड प्रोग्रेसिव निमोनिया था और हाई वायरल लोड था. वायरस भी चेक करना होता है कि पेशेंट के अंदर वायरस कितना है, उस वायरस वायरल लोड को कम करने के लिए अब उनमें हम प्लाज्मा देते हैं. अब उनमें ऐसे लोगों का, लोगों से लेके प्लाज्मा देते हैं जो रिकवर कर चुके हैं प्लाज्मा फेरेसिस करके, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. और प्लस ऐसे लोग जो दूसरी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे के देख लिया, दूसरे चीज़ें दे के देख लिया, जो नॉर्मल सपोर्टिव ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनका आर्टेरियल ब्लड और या ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है और रेस्पिरेटरी रेट है वो सब प्रॉब्लमेटिक हो, वो कम होते जा रहा है, गड़बड़ ही होती जा रही है, जिनको हो सकता है आगे चल के वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए, तो उन लोगों को ये ट्रांसफ्यूजन दिया गया प्लाज्मा का. और ये देखा गया कि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जितने पेशेंट्स को दिया जा वो रिकवर कर रहे हैं, उनके वायरल जो जितनी वायरसेस उनके अंदर थी वो कम होती गई. और तो छोटी स्टडीज थी, 4-10 पेशेंट्स की हुआ था, तो वो स्टडी छोटी थी लेकिन फिर भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा देखा गया.
और इम्प्रूवमेंट देखा गया हर एक पैरामीटर में, ब्लड में ऑक्सीजन मात्रा अच्छी बढ़ी, वायरस की मात्रा कम हुए, पेशेंट जो है वेंटिलेटर के में नहीं गए, तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। इसी की तरह एक और किडो स्टडी हुई थी जिसमें सिवियर पेशेंट्स में वापस रियल टाइम आरएनए टेस्टिंग करके फिर से आप डोनर से एंटीबॉडीज लेके प्लाज्मा लेके प्लाज्मा चढ़ाया गया। इसमें भी देखा गया कि जिन पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रांसफ्यूज किया गया उन पेशेंट्स में इस थेरेपी से कन्वर्सलेंट प्लाज्मा थेरेपी, कन्वर्सलेंट इसी कहते हैं पेशेंट जो रिकवर हो गया उनसे लेके, एक नॉर्मल जिसमें कोरोना वायरस नहीं है उसका प्लाज्मा लेके उनको देने से कोई खास फायदा होगा नहीं, राइट। और ऑल्दो अगर किसी को जनरलाइज्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है उनको एक नॉर्मल प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा सकती है, वो हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन बेनिफिट है सीपी कन्वर्सलेंट प्लाज्मा थेरेपी का, जो कि दूसरे स्टडी में किडो स्टडी में 19 केसेस में देखा गया। सो यानी दो तीन स्टडीज हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, और इसीलिए इंडिया के अंदर दिल्ली, कर्नाटका, केरल, कई सारी जगहों पे, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, उसमें ये सारे जो बातचीत हो रही है अभी प्लाज्मा थेरेपी की, ये स्टडीज हैं, ये अब स्टडी होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास चांस है, इंडिया के पास केसेस उतने नहीं है कि त्राहिमाम हो रहा हो जैसे यूएस में हो रहा है, जैसी जगह हो रहा है वहां, तो फिर इतने डोनेशन के लिए लोग भी नहीं निकाल सकते जगह, वो कई लोगों ने फिर भी डोनेशन चालू किए हैं प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें इक्विपमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए, आपको मशीनें चाहिए, सब चाहिए करने के लिए। इसीलिए FDA ने भी इमरजेंसी यूज पे इसको अप्रूव किया है, क्योंकि अभी इसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को बचाने के लिए जरूरी है। सो इट्स नॉट अ प्रिवेंशन, हर पेशेंट में नहीं दिया जाता कि आपका पॉजिटिव है आप प्लाज्मा मांगते फिरोगे, नो, डोंट डू दैट, रिमेंबर दैट। सो यहां पर अगेन सिवियर डिजीज होनी चाहिए, डिफाइन कैसे करते हैं एक सिवियर डिजीज, किसको देंगे प्लाज्मा? नंबर एक, आपको होना चाहिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, राइट, आपको सांस फूलना चाहिए, और दूसरा आपका रेस्पिरेटरी ट्रेट यानी सांस की गति, एक मिनट में रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 30, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 93 या उससे नीचे होना चाहिए, लेस देन 93, या फिर जो PaO2 और FiO2 का फ्रैक्शन है वो आपका होना चाहिए 2300 लंग इनफिल्ट्रेट्स मोर देन 50% विद इन 24 to 48 hours। मतलब बेसिकली आपको सांस फूलना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना चाहिए, ब्लड में और शरीर में ऑक्सीजन कम होना चाहिए, तब हम ये करते हैं, ये कम होते जाएगा तो इस लेवल से। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसको कहते हैं जब आपका ट्रीटमेंट के बावजूद ये इंप्रूव नहीं हो रहे, राइट। और यहां पर जब डिसफंक्शन होता है तब फिर आपको ऐसे किसी पेशेंट से लेके दिया जाता है, लेकिन अब देगा कौन, राइट। ऐसा मतलब नहीं है कि हर एक पेशेंट दे सकता है, जिसका भी जैसे एक पेशेंट आज डिस्चार्ज हुआ आज के आज जाके थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर देगा, नहीं। सो अगेन डोनेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम अ पेशेंट किससे करते हैं, रिकवर्ड इंडिविजुअल जो कि पहले तो उनका COVID-19 से पक्का डायग्नोसिस होना चाहिए, उनका पॉजिटिव टेस्ट था, नंबर दो सिम्टम्स जो थे वो खत्म हो गए हैं, राइट, और आज 14 दिन हो चुके हैं खत्म होके, अभी सिम्टम्स है ही नहीं, जीरो सिम्टम मतलब नो बुखार, नो सांस फूलना, नो खांसी हो गया था और उसके बाद 14 दिन हो गए हैं, तब आपका लिया जाता है प्लाज्मा, ठीक है, तब प्लाज्मा लिया जा सकता है आइडियल कंडीशंस में। और एक मतलब नेगेटिव PCR आने पे, जब PCR नेगेटिव हो गया, सिम्टम खत्म हो गए और 14 दिन हो गए हैं तब, या फिर अच्छी मात्रा में आपके अंदर COVID-19 के एंटीबॉडीज हैं ना, वो देखने के लिए वायरल एंटीबॉडी टाइटर देखना पड़ेगा, वो एंटीबॉडी टाइटर हर एक में नहीं किया जा सकता, वो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, रैपिड टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता, यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट। प्लस यहां पर क्या है, एंटीबॉडी टाइटर जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर है एटलीस्ट 1:302 होना चाहिए, 320 का टाइटर होना चाहिए एंटीबॉडी टाइटर, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, इसमें हमें ये नहीं पता कि ये कितने परसेंट पेशेंट्स में और किस लेवल पे कामयाब होगा। जैसे डॉक्टर सरीन ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस बीमारी के तीन स्टेजेस हैं, एक स्टेज में जहां बीमारी
पकड़ में नहीं आई है अब तक, आपको कोई खास सिम्टम नहीं आए हैं, या आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपको कोई भी सिम्टम नहीं, आपके अंदर वायरस है आपको पता ही नहीं है। दूसरा, जब आप एक्चुअली बीमार होते हैं, आपको सांस फूलने लगता है, आपके लंग में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, बुखार है, खांसी है, सांस फूल रहा है, तब आपका टेस्ट किया जाता है, आपको लंग इन्वॉल्वमेंट है, वो स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज है ये प्लाज्मा थेरेपी देने का। उस स्टेज में जब आपको प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, तब आप सबसे अच्छी तरह रिकवर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं कि अभी आपकी बीमारी बढ़ रही है कि क्या हो रहा। और थर्ड स्टेज है जब आपका बॉडी के अंदर जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जो हमने आपको समझाया हुआ है, साइटोकाइन स्टॉर्म अगर आ गया तो फिर पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं बचा सकती। और तो ऐसा नहीं है कि उसमें ट्राई नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी भी उसको वापस लेके आए। तो सही समय पे प्लाज्मा मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये प्लाज्मा बहुत सारे लोगों से मिलता है, और इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि ये प्लाज्मा ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि किसी को अगर मान लो कोई जेनेटिक बीमारी है, कोई अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, किसी को कोई मान लो हीमोफीलिया है, किसी को जनरलाइज्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उनके लिए भी काम आती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्लाज्मा एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट से लेके कई बार इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा प्लाज्मा लगता है, और इतना एंटीबॉडीज इकट्ठा, वो जो प्लाज्मा इकट्ठा हुआ उसमें देखना होता है कि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी आए हैं कि नहीं। अगर उसमें भी सफिशियंट एंटीबॉडी नहीं है तो उसको देने का कोई फायदा नहीं होगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डोनेशन। एक अच्छे, अभी ये मात्रा COVID-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए कितने डोनेशंस की जरूरत पड़ेगी, और एक डोनेशन से अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी मिलेगी कि नहीं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन फॉर एन इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी पेशेंट को प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी, जिसमें खुद की तरफ से एंटीबॉडी बनते ही नहीं है, उसको ट्रीटमेंट के लिए बात करेंगे, तो 130 लोगों के 130 बार डोनेशन करने के बाद एक आदमी को प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी के लिए हेल्प किया जा सकता है। उसके अलावा अल्फा वन एम्प्टी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जैसी प्रोटीन निकालना हो तो 900 लोगों को, 900 लोग डोनेट करते हैं तो एक आदमी को अल्फा वन एंट्री ट्रिप्सिन वाले को ट्रीट किया जा सकता है, और 1200 लोग डोनेट करते हैं तो एक हीमोफीलिया पेशेंट को मदद मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को डोनेशन की जरूरत है, और अगर हम प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब करना चाहते हैं तो ये 5-6 हज़ार लोग जो डिस्चार्ज हो गए हैं, और जितने भी लोग जिनके टेस्ट हो रहे हैं, जो ठीक हो गए हैं, उनको 14 दिन के बाद कायदे से फिर अपने डोनेशन करने होंगे, और उनके डोनेशन को प्रोसेस करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट में लाना होगा। ये आइडियल प्रोसेस है। अब ये नंबर हमें नहीं पता कि कितने लोगों के डोनेट करने से कितने एंटीबॉडी COVID-19 के लिए मिलेंगे, ये नंबर हो सकता है 10-12 हो सकता है 100 हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, अभी इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, स्टडीज से पता चलेगा, लेकिन बेसिक यही है। प्लाज्मा थेरेपी बहुत लोगों की जान बचा सकती है, ये आप पे डिपेंड है। तो अगर आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हो चुके थे, ठीक हो गए हो, तो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉल करिए, 1075 पे कॉल करिए, और उनसे बात करिए कि मैं कहाँ पर जाके सेफली अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ। एक इंसान अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो वो बार बार भी डोनेट कर सकता है। बेसिकली आप एक बार डोनेट करते हैं, उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर डोनेट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होता कि प्लाज्मा डोनेट यानी ब्लड आपके शरीर से निकल जाए, कोई कमजोरी आती है, इसमें आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है, उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है, और वापस दूसरा ब्लड आपके शरीर में डाल दिया जाता है, कोई कमजोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड। फिर आपके टेस्ट किए जाते हैं, पहले भी देखा जाता है कि आपके शरीर से प्लाज्मा निकाला जा सकता है या नहीं, आप सेफ हो या नहीं, वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है वीडियो शेयर करना और लोगों को बताना कि प्लाज्मा थेरेपी का कितना फायदा है। और इससे आज जब पेशेंट्स हमारे सिर्फ हजारों में, जो हजार भी नहीं हुए हैं, यानी हजारों में है मान लीजिए, तो हम डेथ रेट हजार भी नहीं हुई है, तब हम कोशिश कर सकते हैं कि इन कम पेशेंट्स को बचाया जा सके प्लाज्मा थेरेपी से। अगर ये लाखों में हो गया तो प्लाज्मा थेरेपी कुछ खास काम नहीं होगी, फिर सोचना पड़ेगा इसको दें या किसको दें। सो आज मदद करें आप तो फायदा होगा गवर्नमेंट की हमारी। प्लीज प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनेट करें और अपने गवर्नमेंट का साथ दें। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड शेयर द वीडियो।